हे एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश्वर विद्यापीठ। दोस्तों, आप अगर अभी अभी आपका 12th साइंस खत्म करके इंजीनियरिंग में एडमिशन बीई या फिर बीटेक में लेने वाले हो, तो आपका जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो आप इस वीडियो से आपका पूरा टाइम टेबल जो प्रोसेस है, मैं थोड़ी बहुत आपको समझाते जाऊँगा और आपका टाइम टेबल भी बताते जाऊँगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। और आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट करें उसका ऑलरेडी एक वीडियो हमारी चैनल के ऊपर है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पे जाके आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने से पहले आपका अप्रॉक्स मेरिट रैंक निकाल सकते हो। दोस्तों, बीटेक की जो एडमिशन प्रोसेस है, वो एडमिशन प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे आपको देखो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू है। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितनी भी डेट एक्सटेंड हुई है उनके भी वीडियो आते रहे थे कि इतनी इतनी डेट एक्सटेंड हुई, अभी तक आपने फॉर्म फिलअप ना किया हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 22 अगस्त 2021। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 1 सितंबर को। 1 सितंबर 2021 के दिन पे आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मतलब आपका मेरिट नंबर कौन सा है और उस मेरिट नंबर के आधार से आप लास्ट ईयर का मेरिट नंबर चेक करके कौन सी कॉलेज में अप्रोक्स आपको एडमिशन मिल सकता है, कौन सी ब्रांच में मिल सकता है, वो सब चीज़ें देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आती है ACPC की वेबसाइट के ऊपर ही, जहाँ पर आपने फॉर्म फिलअप किया था। अब मोक राउंड का मतलब क्या होता है? जैसे हर एक क्रिकेट में ट्रायल बॉल होता है, आप जब खेलते हो तब पहला ट्रायल बॉल डालते हो, तो इसको भी ट्रायल बॉल बोलते हैं। उसमें आपको चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग थोड़ी बहुत सीखने को मिलेगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपको कौन कौन सी कॉलेज में मिल सकता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो 1 से 5 सितंबर के बीच में चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट 8 सितंबर को आएगा। 8 सितंबर को जब आपका रिजल्ट आएगा, आपने जो चॉइस डाली होगी, कितनी भी चॉइस आप डाल सकते हो, उसमें आपको कहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। और हर एक कॉलेज में आपकी जो कास्ट है उसमें कहाँ कहाँ पे अटका है, लास्ट नंबर कौन सा है, स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, उसका भी एक लिस्ट आएगा। तो इस बार का जो पूरा पिक्चर है वो आपके सामने क्लियर होगा, तो आप उसके मुताबिक आपकी चॉइस को चेंज कर सकते हो। प्रोविजनल जो मॉक राउंड है उसमें आपको जहाँ पे भी एडमिशन मिला है वो आपका फाइनल एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों, फाइनल एडमिशन नहीं होने वाला, और ये पूरी प्रोसेस में हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी फ्रेंड सर्कल है उस सब में इसको आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तब सभी जगह पे, वो चाहे आपके स्टडी के रिलेटेड हो, कोई नोटिफिकेशन के रिलेटेड हो, हर एक जगह पे हम आपके साथ रहने ही वाले हैं। तो रिजल्ट आएगा 8 सितंबर को, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी वहां पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक्चुअल राउंड वन, ये फाइनल राउंड जैसा ही है, इसमें आपको जहां पे एडमिशन मिलता है वहां पे आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो राउंड नंबर 1 9 से 14 सितंबर के बीच होगा, और उसका रिजल्ट आएगा 17 सितंबर के दिन। ओके, इस बार अगर आपको एडमिशन ले ही लेना है आपको जो कॉलेज में मिला है, तो आपको फीस पे करनी है 17 से लेकर के 21 सितंबर तक ऑनलाइन ही। और अगर जो कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहां पे जाके आपको रिपोर्टिंग भी कर देना होगा, तो आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। अब आपने 10 कॉलेजेस डाली है, उसमें आपको 9वें नंबर भी कॉलेज में मिला है, लेकिन आपको ऐसी इच्छा है कि अगर 1 से 8 नंबर जो ऊपर डाले हुए उसमें भी मुझे शायद जाना है, अगर मुझे मिले तो, नहीं मिलता तो 9 नंबर इट्स वेल एंड गुड। तो आपने फीस तो पे कर दी है लेकिन आपको जाना है आगे की कॉलेज में, तो उसके लिए आता है राउंड नंबर 2। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने अभी भी राउंड नंबर 2 के बारे में कुछ बताया नहीं है, उसको रीशफलिंग राउंड बोलते हैं। उसमें आप जा सकते हो अगर आपको आगे की 1 से 9 नंबर की चॉइस में अगर मिलता है, तो फिर उसमें जाना पड़ेगा, वरना आपकी 9 नंबर वाली जो कॉलेज है वो तो वहाँ पे रहने ही वाली है। ऐसा नहीं होता कि राउंड नंबर 2 में आप जाओगे तो आपकी 9 नंबर वाली कॉलेज वहाँ से चली जाएगी, और 1 से 9 में भी नहीं मिला, 9 नंबर में भी नहीं मिला, आपको एडमिशन ना मिला। सो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन पूरी प्रोसेस में अभी आपका जो काम है रजिस्ट्रेशन के बारे में उतना कर दीजिए। अभी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर मैं कॉलेज चॉइस कैसे करूँ, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है कि कॉलेज की चॉइस कैसे करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है। TFWS पहले डाले, किस किस पॉइंट्स के ऊपर से कॉलेज डिसाइड करें, हॉस्टल चेक करें, कितना डिस्टेंस है चेक करें, ऐसे पॉइंट्स, और उसके लाइव एग्जांपल के साथ, कॉलेज के नेम के साथ मैंने वहां पे समझाया हुआ है। वो वीडियो आप देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज वहां पे समझ में आ जाएगी। और आपकी कॉलेज जो स्टार्ट होगी उसकी डेट है 21 सितंबर 2021। तो दोस्तों, आई होप आपको जो ये टाइम टेबल है कहीं पे लिख देना, कोई भी डेट भूल मत जाना, अगर भूल गए तो ये आपकी लाइफ का सवाल है, एडमिशन का सवाल है, तो आप वहां पे अटक जाओगे। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो इसलिए कर लेना क्योंकि वहां पे हम हर एक इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट रख देते हैं। कोई भी नई न्यूज़ आती है, कोई भी नई अपडेट आती है, तो वहां पे उसकी नोटिफिकेशन आई जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना मिले। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।